अब मैं पहुंच गया हूं लॉम्बोक। तो ये है एक स्मॉल मॉडल इस पूरे माउंटेन का, और मैं जो हूँ इस समय वो पांचवें नंबर पे हूँ यहाँ पे। देखिए तो यहाँ से ऊपर जाना है यहाँ तक, ये है क्रेटर, यहाँ से आपको ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देगा, तो लेक का व्यू जो है। और ये है काउंटर जहाँ पे वेरिफिकेशन होता है सब कुछ का, और सब वेरीफाई करके फिर यहाँ से आपको ऊपर जाते हैं आप ट्रैक के लिए। So all set now and I'm ready to go to my dream hiking। तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया है हाइकिंग। एक छोटा सा गांव है संबालून में जहाँ से हाइक शुरू होता है। देखिए ऐसे लोग हैं यहाँ पर। Post one. Yeah. Post two. Yeah. Almost पहुंच गया वहां तक। इतना धूल है रास्ते में। ये देखिए अर्थक्वेक आया था 2018 में, इससे सारा ये लैंडस्लाइड हुआ है। कितना सुंदर है यहाँ से व्यू। समांगत मस समांगत स्त्री India, bro. Ya, dari India. Dari India. Ya, dari India. Semangat. 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 Semangat, Mas. Salam dari Tanah Au PKA. Oh. Enjoy. So started to rain, और अब जल्दी जल्दी करके पहुंचना है कैंप साइट पे। टेक्निकली तो हम बिल्कुल बादलों के बीचों बीच है इस समय। देखिए नीचे बादल फ्लोट कर रहे हैं। अभी तक बस पढ़ा ही था इसके बारे में, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता था कि क्या मुश्किल होगा यार, मैं तो इंडिया से आया हूँ, हिमालय पे चढ़ता हूँ, मैं तो ऐसा सोचता था मैं।
ये क्या चीज़ है मेरे लिए भाई, हालत ख़राब हो गया यार, बहुत मुश्किल है ये। पहुँच गया ग्रेटर रिम एरिया पे, अब यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ बहुत तेजी से अब समय हो चुका है 3:13, सो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं चल पड़ा हूँ समिट की ओर, जो मेरा गाइड था, एक्चुअली इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया पेट में, सो वो मेरे साथ नहीं आ सकता है, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ से 3.5 किलोमीटर और है, इस अंधेरे में इस रस्सी के सहारे ऊपर जाना है। ओ भाई, उस चट्टान तक चढ़ के जाना है यहाँ से इस अंधेरे में। हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज, लेट्स ट्राई। चढ़ ही गया भाई। देखिए कितना कंकड़ भर गया है पूरे जूते में, दिखाता हूँ आपको, पूरा कंकड़ भर चुका है। इसलिए ये देख के कि ये बना हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही रास्ते पर चलते आ रहा था। थोड़ा सा भटक गया था मैं, फिर थोड़ा दिमाग लगाया और फिर यहाँ पहुँच गया। ओ ओ, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट आई हैव जस्ट सीन। ये जो अद्भुत दृश्य है मेरे सामने, इसको मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ, इट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए, इतना चलने के बाद भी ये इतना ऊपर है। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। कारण सब में दरार आ गया है।
So let me share some information about this trip, about this track, I mean. So पहली बात कि आप अगर आप फॉरेनर हैं, इफ यू आर फॉरेनर, तो आप इस ट्रैक को बिना गाइड के नहीं कर सकते. आप इलीगली कर ले अलग बात है, अगर आप पकड़े गए आपको फाइन लग सकता है या फिर आप डिपोर्ट भी किए जा सकते हैं. तो ऐसा रिस्क नहीं लीजिए. और दूसरी बात, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा. आप ये मत सोचिएगा कि आप इंडिया में रहते हैं तो आप तो पहाड़ पे गए होंगे 8,000 to 5,000 meters या कुछ भी. तो ये गलती मैंने भी किया था, पर आपके लिए बता दूं मैं कि आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा. उसके अलावा मैं बोलूँगा कि यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल है आपका लॉम्बक एयरपोर्ट से. तो सबसे अच्छा है कि आप एक कोई ट्रिप बुक कर लीजिए जो कि करीब करीब आपको 10,000 rupees लेगा. जो सबसे सस्ता होता है वो सब 10,000 rupees लेगा. आपको पूरा खाना भी मिलेगा और उसके साथ टिकट भी मिलेगा. तो उसका टिकट जो है वो भी महंगा है. आपको फॉरेनर का है करीब 150,000 इंडोनेशियन रुपया पर डे. तो जैसे कि 150,000 कितना हो गया है? हो गया आपका करीब करीब 750 rupees पर डे का टिकट है. तो आप दो दिन, जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है तो आप इस समय फॉरेनर्स के लिए जो है सिर्फ 2 days and 1 night ही अलाउड है. और फिर आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ता है आपको वापस में कि हाँ आप नीचे आ चुके हैं. तो अगर आप उतना अच्छे हाई कर रही हैं, आपको थोड़ा सा जल्दी पहुँचना है ऊपर और ज़्यादा थकना भी नहीं है, तो एक काम कीजिए, बेस से ही एक आपको जैसे कैसे होता है यहाँ पे बोलते हैं उसको ऑजेक, तो बाइक पे बैठा के आपको पोस्ट 2 तक आपको लेके आ जाएगा. और आप मेरी बात मानिए, पोस्ट 2 तक आने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. मतलब टाइम लगता है अच्छा खासा. और वहाँ से आप हाइक कीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. जैसे कि मैं समिट में नहीं जा पाया क्योंकि मौसम ख़राब था उस समय और वहाँ पे मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि जो विंड जो था बहुत ज़्यादा ही तेज था. तो और भी आपको एक रिकमेंड करूँगा मैं कि अगर आप हरा भरा देखना चाहते चारों तरफ, अभी उतना हरा भरा नहीं है, तो आप आइए अप्रैल में. और वैसे पहाड़ तो हमेशा अनप्रडिक्टेबल होता है, किस दिन क्लाउडी हो जाए, किस दिन बारिश हो जाए, कौन जानता है, किसी भी महीने में कुछ भी हो सकता है. तो बस लक पे डिपेंड करता है कि किस दिन साफ मिलेगा, किस दिन नहीं मिलेगा, किस दिन हवा तेज मिलेगा, किस दिन हवा तेज नहीं मिलेगा. तो दीज थिंग्स आर हार्ड टू प्रिडिक्ट. और खाना दबा के रखिए आप, खाना और पानी, कम से कम 4 liters पानी अगर आप समिट तक जाना है तो. और खाना मान के चलिए कि हर 2 hours में कुछ ना कुछ खाना है, इस तरह से इतना पैक करके लाइए, तभी आप समिट तक जा सकेंगे. मेरे जैसा गलती नहीं कीजिएगा. हेलो मास, चलिए मैंने आपको जानकारी दे दिया. अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. एंड ऑनेस्टली मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इंडिया का पहला व्लॉगर हूँ जो यहाँ तक आया हूँ और इसके बारे में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आपको बता पा रहा हूँ इसके बारे में. तो ऐसे जगह आप देखना चाहते हैं, ऐसे सुंदर जगह, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट. ओके, सो thank you so much, see you in the next video. Hello guys.